भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की काफी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों को अब रोजी रोटी का संकट भी मंडराने लगा है। लेकिन किसानों को अभी तक प्रशासन की तरफ से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा नहीं मिल सका है। प्रशासन द्वारा अभी बर्बाद हुई फसलों का आकलन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हरिद्वार जिले के किसान काफी परेशान हैं। वहीं किसानों का हाल जानने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद झूठा बुग्गी से ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे और किसानों की बर्बाद फसलों का मुआयना किया। हरीश रावत का कहना है कि बरसात और ओलावृष्टि की वजह से क्षेत्र में काफी तबाही हुई है। सरसों गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, इसके साथ ही गन्ना भी बेकार हो गया है। इससे किसान अब रोने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की पूरी मदद करनी चाहिए। पूरी तबाही है, पूरी किसी काम के, जो सरसों के पेड़ थे वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उनका मुंडन हो गया हो। गेहूं किसी काम का नहीं रह गया, कुछ दिनों के बाद जब धूप बढ़ेगी तो ये सूखना प्रारंभ हो जाएगा, भूसे के लायक भी नहीं रह गया है। और गन्ना टूट गया है, दागदार हो गया है, आंखें नष्ट हो गई हैं, न बीज के लायक है, हो सकता है चीनी मिले में कितना लेंगी कितना नहीं लेंगी, और आधा अधूरा सब किसान रो रहा है अपने गन्ने को देख करके। मैंने अमरूद के बाग देखे, वो नष्ट, जो अमरूद के बाग, आम के बाग, लीची के बाग हैं वो अगले 3 साल तक तो सरसब्ज नहीं होते। तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का कहर इस एरिया के ऊपर टूटा हो। कितने अरमानों से इन्होंने फसल बोई होगी, कैसे उसकी रक्षा की होगी, हाथियों से बचाया, नील गाय से बचाया, और अब जो है ओलू ने इनकी सारी फसलें चौपट कर दी कि इनकी पूर्ण मदद करें और इस हिसाब से मदद करें ताकि अगले 3 साल के हिसाब से कम इनको आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि अगले 3 सालों में फिर से ये किसान अपनी फसल को इस लायक बना सके कि वो अपना भी खा सके और देश की मदद भी कर सके। वहीं किसानों का कहना है कि किसानों की इतनी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रही है और न ही सरकार द्वारा अभी तक कोई घोषणा की गई है। भारी बरसात और ओलावृष्टि की वजह से काफी फसल बर्बाद हो चुकी है। राज्य सरकार को तत्काल आपदा घोषित कर देना चाहिए थी, लेकिन इस सरकार के न तो कोई विधायक और न ही सांसद किसानों का हाल जानने पहुंचे। किसानों का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, मगर आज किसान रोने को मजबूर हैं क्योंकि हमारी कोई भी फरियाद सुनने वाला नहीं है। जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, गुंगी बहरी सरकार, अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की है किसान हित के लिए। आप जगजीतपुर से लगा करके रानी माजरे तक की स्थिति देखिए। राज्य सरकार को तत्काल आपदा घोषित कर देना चाहिए था इन गांववासियों को, लेकिन विडंबना की बात, ये गुंगी बहरी सरकार अभी तक ना तो इनका कोई सांसद ना कोई विधायक क्षेत्र में आने की जहमत तक की नहीं उठा रहा। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसान की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन किसान की आय दोगुनी की तो बात बहुत दूर की है। आज किसान रो रहा है, अन्नदाता रो रहा है, कोई भी फरियाद सुनने वाला नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल का कर्तव्य बनता है कि खेत खेत पर जाकर के किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना करे, लेकिन क्षेत्रीय लेखपालों का इतना बुरा हाल है कि एक ही किसान के, परिचित किसान के यहाँ जाके बैठ जाते हैं, किसी के नाम लिखे हैं किसी के नहीं लिखे हैं। बरसात और ओलावृष्टि की वजह से हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्रों में किसान की काफी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन अभी फसल बर्बाद होने का आकलन ही कर रहा है। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान अब रोजी रोटी को भी मोहताज हो चला है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों की बर्बाद हुई फसलों के नुकसान का आकलन करना चाहिए और किसानों को हर संभव मदद और मुआवजा देना चाहिए।
पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।